नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम किसी भी मोबाइल के अंदर स्पीकर में यदि धूल पहुंच जाए, आपकी चार्जिंग सॉकेट में धूल पहुंच जाए, हेडफोन के आपका जो जैक लगा रहता है उसमें धूल पहुंच जाए, तो इस धूल को आप इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के द्वारा कैसे साफ कर लेंगे, वह भी बगैर मोबाइल खोले। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये कंप्रेसर है, कंप्यूटरली बीबी मशीन से बना हुआ एक पावरफुल कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में आपकी आरओ वाली जो आरओ वाली रबड़ है वो लगा सकते हैं आप। अगर वो रबड़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बटन लेवल वाली रबड़ लगा लेंगे। मार्केट में आपको बटन लेवल के नाम से ये रबड़ आती है, ये लगा लें आप, ठीक है। तो करना क्या गाइस, आप लोगों को कोई भी आपको बीपी वाली एक मोटर लेना है, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा तमाम स्क्रैम में बीपी यानी ब्लड प्रेशर वाली मशीनों की मोटर आप लोगों को मिल जाएगी। यदि स्क्रैम में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ठीक है। और चार सेल का आपको ये बॉक्स लेना, क्योंकि बीपी वाली जो मोटर होती है वो 6 वोल्ट की होती है, तो इसमें आपके 1.5 वोल्ट के हिसाब से 4 सेल लगेंगे, तो आपका 6 वोल्ट ये बन जाएगा। तो यहीं पर आपको एक सेल बॉक्स लगाना है, सीधा 4 सेल आपको उसमें लगाना, 2 इस तरफ और 2 बैक साइड में इस तरफ, ठीक है। इन सेलों का कनेक्शन आपको प्लस का या माइनस का बटन के द्वारा फिर मोटर को डालेंगे। कुल मिला के जो आपको मोटर चालू करनी है वो एक बटन के द्वारा चालू करनी है, या तो माइनस सीधा मोटर पर दे दें, माइनस यदि सेलों का आप सीधा मोटर पर डालते हैं तो आपको प्लस कट करना पड़ेगा, यदि सेल बॉक्स का आप प्लस मोटर पर डालते हैं तो आपको माइनस कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्विच नहीं लगाएं तो ये रेगुलर आपकी मोटर चालू बनी रहेगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस हवा को कहीं पर स्टॉप करना आपको, यानी कि यहां से जो हवा प्रेशर के साथ निकलेगी इस हवा को आपको स्टॉप करना है। यदि कंडेंसर में अपने अंदर करंट कंडेंसर भर लेता है, ठीक इसी प्रकार इस हवा को आपको एक कंटेनर में स्टॉक करना है, ठीक है। तो जब कंटेनर में हवा ये प्रेशर वाली स्टॉक हो जाए, इसके बाद में आपको क्या करना, एक सिलेंडर की मदद से, ये जो सिलेंडर देख रहे हैं आप, इस सिलेंडर की मदद से इसको पतली नुकीली चीज के साथ बाहर निकालना है। तो पतली नुकीली चीज मैं बता दूं क्या हो सकती है, आप कोई भी 5 ml 10 ml इंजेक्शन की सिरिंज की आप एक निडल लें, तो निडल लेने के बाद आगे का जो हिस्सा है नुकीला होता है, इसको आप ऐसे करके किसी रेगमाल से या रेती से ऐसे करके इसको, यानी कि इसकी जो नुकीली धार होती है, तार्पनेस जो होती है, तार्प होता है इसमें, नुकीलापन होता है सुई जैसा, उसको आपको खत्म करना, बिल्कुल लेवल में आपको कर देना ऐसे, ठीक है। ये देखो, इतना करने की सुई पोली होती है, इतना करने के बाद में आपको इसी सिलेंडर के साथ में, ये सिलेंडर होता है, कहीं भी ओल्ड आपका जो फ्रिज हो, कहीं भी 165 लीटर वाला, उसके पीछे जो जाली लगी रहती काली वाली, उसी के साथ आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। अगर उसमें नहीं मिलती तो भाई जब किसी आप फ्रिज मैकेनिक के पास चले जाए, सैकड़ों आपके मिल जाएंगे उसके पास में, क्योंकि स्क्रैप उसके यहाँ निकलती रहती, कोई ना कोई आपको ये नया भी नहीं मिलेगा तो पुराना फिर भी आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी बोतल के साथ आपको सिलेंडर अटैच करना, ठीक है। अटैच करने के बाद में यहाँ पर आपको इंजेक्शन की निडल लगानी आगे का हिस्सा घिसने के बाद, ठीक है, और ये आपका कंप्रेसर हो गया, ठीक ठीक है। कंप्रेसर बिल्कुल साउंड बनाता है, जैसे कि आपने देखा होगा हवा भरने वाला कंप्रेसर, इसको मैं ऑन किया, ये देखें, तो अभी आपको साउंड कम समझ में आ रही होगी, बिल्कुल मामूली, लेकिन जैसे ही हम इसका कैप खोलेंगे तो इसमें ये ब्राइवेशन की यानी ब्राइवेट की आवाज इसमें आपकी, ये देखें कितना पावरफुल साउंड इसमें जनरेट हो रहा है। ये किस चीज का साउंड है, ये जो पैड मोटर वर्क कर रही है आपकी, ये बीपी वाली, इसका ये देखें, बंद कर देंगे तो ये देखें बंद होगी साउंड, ये देखें
है ना। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस पावर कंप्रेसर के द्वारा हम चार प्रकार की प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाएंगे। पहला प्रेजेंटेशन हमने आप लोगों को बैलून यानी गुब्बारा में हवा भरने वाला दिखाया। दूसरा वाला आपका ये प्रेजेंटेशन है, कहीं भी किसी भी मोबाइल में आपकी साउंड वाले जैक में, बोलने वाले माइक के जैक में कहीं भी धूल पहुंच जाए, चार्जिंग वाले आपके सॉकेट में कहीं भी धूल पहुंच जाए, तो आप उस धूल को बिल्कुल बढ़िया से अच्छे ढंग से आप साफ कर सकते हैं। बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह ही आपका काम करेगा। अभी हम पूरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन की तरीके से, यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल गजब का ये वर्क करेगा आपका वैक्यूम क्लीनर वाला वर्क पूरा ही आपका करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस कंप्रेसर को आपको चालू कर लेना। ये देखें हो गया चालू। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाने वाले, इसमें देखें क्या आप लोग, ठीक है, इसमें फूल पत्ती का मिश्रण है, तो ये देखें आप लोग, और से देखें आप लोग, आपको विश्वास हो जाएगा कम से कम कि हम जो आप लोगों को बता रहे हैं वो। तो देखें आप लोग, शायद आप लोगों को विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो देखें ये आपका क्या है, डस्ट है, फूल है, ये देखें आप लोग कितना प्रेशर है, ये देखें, ये देखें आप लोग, ये देखें, देखा आप लोग, देखा आप लोग पूरा, ये देखा आप लोग, देखा आप लोग, ये पूरा कचरा यहाँ आ गया, और ये देखा पूरा कचरा, ये इस मशीन से, ये देखा आप लोग, ये देखा, देखा आप लोग, तो कितना गजब का ये वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहा है ये आपका उपकरण, देखा आप लोगों ने। तो गाइस अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि इसमें कितनी प्रेशर है, क्योंकि इसमें जो इंजेक्शन वाली ये नीडल लगी हुई है, और यहाँ से आपका पूरा एयर सिस्टम है, कंप्रेसर है, यहाँ एयर आपकी प्रोड्यूस हो रही है, ये एयर इस कंटेनर में आपकी फिलिंग हो रही है यहाँ पर, और यहाँ से फिर ये आपका सिलेंडर टाइप का इसमें फिलिंग हो रही है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये देखो हो गया। तो आपको करना क्या है, आप बिल्कुल इजी सिंपल, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर दें आप ऐसे, यहाँ से आपने इसकी रिपोर्ट देख ही ली है। अब कोई भी आपका मोबाइल हो जिसमें आपको लगे कि हमें आने वाले का जो फोन है उसकी आवाज़ कम सुनाई दे रही, तो आप क्या करें, ऐसे लेंस को दूर से अंदर मत करें, बाहर से इसको जहां पर इसके पॉइंट होते ऐसे इसको करें, पूरी गंदगी देखें बाहर हो जाएगी, और से देखें पूरी गंदगी आपकी बाहर हो जाएगी, देखें बहुत प्रेशर है। यही बगल में आपका माइक होता, माइक के पास ऐसे लगा दें, माइक की भी पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी। सबसे गजब का वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहा है ये, ये देखें आप, देखो कितनी गंदगी नहीं, ओफ कितनी गंदगी, धूल धूल भरी हुई थी इसमें तमाम, ये देखें, देखा आप लोगों, हल्के हाथ से बिल्कुल आप इसको, बिल्कुल ये देखें आप इसको लगाते जा, पूरी गंदगी आपकी बाहर हो गई। तो बताइए साहब, आपको बवाल भी नहीं खोलना पड़ा, किसी मैकेनिक के पास नहीं ले जाना पड़ा, और घर में ही आपके हाथ का बना हुआ वैक्यूम क्लीनर से आपका मोबाइल बिल्कुल धूल रहित हो गया, ये देखें आप लोग, ठीक है।
इसी प्रकार कोई भी टैबलेट हो, आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपके कंप्यूटर का अंग, आपका पैनल हो, कुछ भी हो, इससे आराम से आप धूल निकाल सकते हैं। गजब का वैक्यूम क्लीनर का वर्क कर रहा है। ये देखें आप टैबलेट को, इसमें भी पॉइंट में कई डस्ट वगैरह, कितने दिन से ये साफ नहीं हुई होगी, ये देखें, ये देखो कितनी धूल निकल रही है, ओफो, ये देखो मतलब कितनी धूल इसमें भरी हुई थी, कितने दिन से ये साफ नहीं होगा, पूरा अंदर तक ये पूरा धूल बाहर कर रहा है, ये देखें आप। ओफो, इसमें तो लगता है काफ़ी धूल अंदर है, तभी इसमें साउंड क्लियर नहीं आ रही थी। हेडफोन लगाते थे तो कई बार इसको मूवमेंट करना पड़ता था, क्योंकि धूल लगने के कारण जो पॉइंट होते हैं, जिससे पॉइंटों से हमारे सिग्नल मिलते हैं आवाज़ के, हेडफोन के, वो सब सिग्नल धूल के कारण प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, तो ऐसी कई स्पार्क्स हो जाता है अंदर। सॉकेट लगाएंगे चार्जिंग का, उसमें धूल हो जाने के कारण धीरे धीरे जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी तो आपका जैसे ही चार्जर कनेक्ट करेंगे तो आपको स्पार्क करने लगेगा। ये देख कितनी धूल अभी भी इसमें अंदर है। इस प्रकार से अपनी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की धूल को साफ कर सकते हैं। ये देखें किनारे तक की पूरी धूल इसमें, कहीं भी स्पीकर हो, कहीं भी माइक हो, पर बाहर से आप उसको ऐसे लगाते जाएं और आराम से इसकी पूरी धूल साफ आपकी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य टाइम समय निकाल कर मेरे वीडियो लाइक करते, मेरे वीडियो देखते, मुझे लाइक करते। इसी उम्मीद के साथ हम पुनः आप लोगों से निवेदन करते हैं, यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ठीक है, यदि नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, और आप शेयर करें मेरे वीडियो, जिससे लोगों को मेरे बारे में, मेरे इम्पोर्टेंस के बारे में, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज हो सके। इसी के साथ आप लोगों से हम नमस्कार करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।